जिलाधिकारी समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। संचालन जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि सभी विधानसभाओं में सेक्टर प्रभारी गण अपने अपने सेक्टर में बूथ प्रभारी व सदस्यों के साथ एक सप्ताह में बैठक कर ले। लोकसभा आम चुनाव निकट है, सभी लोग बूथ मजबूत करने की आवश्यकता है। इंजीनियर विजय शंकर यादव और सुनील यादव को जिला सचिव मनोनीत होने और सत्याराम पाल को लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य मनोनीत होने के बाद गोरखपुर प्रथम आगमन बैठक के दौरान हुआ। पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में मनोनीत सदस्यों का पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में जयाउल इस्लाम, जवाहरलाल मौर्य, डॉक्टर मोहसिन खान, शारदा देवी, पन्नेलाल यादव, अवधेश यादव, किसान सिंह सैथवार, मिर्जा कदीर बेग, पंकज शाही, मैना भाई सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के सभी विधानसभा दो तीन पदाधिकारियों की आमद बढ़ी है। हम अपने उन नवनियुक्त साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और हम बधाई देते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हमारे बड़े पुराने साथी इंजीनियर विजय शंकर मन्ना को जो हमारे हस्तों के निवासी हैं, उन्हें सचिव मनोनीत किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सुनील यादव जो घुनघुन कोठा के प्रधान भी हैं और विजय शंकर यादव जो हरपुर बुधट के हैं पार्टी के नेता हैं, इन्हें जिला सचिव मनोनीत किया है। साथ ही साथ श्री नानू पाल जो ग्राम प्रधान हैं चौरी चौरा में, उन्हें उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग इकाई में सचिव नामित किया गया है। इन तीनों लोगों के स्वागत इस आज के मासिक बैठक में हम लोगों ने किए हैं और तीनों लोग मिल करके समाजवादी पार्टी को गोरखपुर में और मजबूत करने का काम करें। बैठक का एजेंडा है लोकसभा चुनाव गोरखपुर और जो 10 हफ्ते शेष है उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच अब सड़कों पर से जनता के बीच जाएंगे, गांव में बूथों पर अपने बूथों को फिर से जहां कहीं हमको कमजोरी दिखेगी, वैसे हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन जहां हमको और लोगों को बढ़ाने हैं, जहां और जोड़ने हैं उनको जोड़ करके और जो ये हवा भाजपा के खिलाफ पूरे देश में चली हुई है उस हवा को और तेज़ करना है, भाजपा को फाड़ फेंकना है।